गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और भगवान से मेरी ये दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें। जैसे आप, चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। न तो आज मैं भर्ती की जानकारी लाया हूं, न ही और कोई दूसरी खबर लेकर के आया हूं। आज मैं खबर लेकर के आया हूं, मैंने आप लोगों से जो वादा किया था कि उम्र चाहे कितनी भी हो, उन लोगों के लिए एक कमाई का रास्ता मैं बताने के लिए। वो कमाई का जरिया क्या है, उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। ना तो उसके लिए कोई लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके घर के अंदर आपके बच्चों के पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो चीजें हैं, आप उनसे भी उस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। गाइज, उसके लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है और सरकारी फीस जो है वो मात्र और मात्र 1480 रुपए के आसपास है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गाइज, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस चीज को बताना चाहूंगा कि हर एक आदमी की आवश्यकता होती है, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, बिजली का बिल भरना हुआ, रेल का टिकट बुक करना हुआ, हवाई जहाज का टिकट बुक करना हुआ, इस तरह की जो यूटिलिटीज हैं, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, वो आप अपने घर से भी दे सकते हैं। कोई आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहता है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने जा रही हैं। आज मैं उस व्यवसाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं गाइज। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद होता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आता रहूं। इसके लिए यहाँ पर यह कोई जरूरी नहीं है कि अमुक बंदे की उम्र इतनी होनी चाहिए और इतने से इतनी होनी चाहिए, एक सर्विस मैन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको सीएससी सेंटर के थ्रू एक अपने नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास कोई आधार कार्ड के लिए आता है और वो बोलता है कि मेरा आधार कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट कर दीजिए। अगर एवरेज तौर पर देखा जाए तो हर कोई 50 रुपए के आसपास चार्ज करता है और गवर्नमेंट को जो उसका खर्चा जाता है मात्र और मात्र 8 रुपए खर्चा जाता है, यानी कि यहाँ पर आपकी 42 रुपए की बचत, 42 रुपए की बचत एक आधार कार्ड के प्रिंट आउट के ऊपर आप कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, बिजली भी खर्च आपकी हो रही है, मेहनत भी आपकी लग रही है, इंटरनेट आपका खर्च हो रहा है, इसलिए आप उतना चार्ज कर रहे हैं। सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्राहक को भी पैसा देने में किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती और वो भी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो भाई, इसी तरह की जानकारी आज मैं आपको इसके बारे में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको एक थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चाहिए क्या, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी प्रिंटर, कलर वाला इंक टैंक प्रिंटर आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही सस्ता आपको पड़ता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता उसमें प्रिंट आउट भी। उसके अलावा एक फिंगर प्रिंटिंग डिवाइस जिसमें आप अपने थंब को लगा करके भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह की कोई ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हैं तकरीबन आपके पास 50 से 60 हजार रुपए में आ जाती है। एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाना है और फिर आप इससे बहुत सारी कमाई भी कर सकते हैं। एक बार आपकी अगर दुकान चालू हो गई, आपको टेंशन ही नहीं है, आप चाहे तो इस बिजनेस की शुरुआत मार्केट में कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट में जगह नहीं है तो आप अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बस सिर्फ जरूरत है तो आपको एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, ग्राहक ऑटोमेटिक आएंगे, अच्छी सर्विस दीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ डिवाइसेस का लिंक दिया हुआ है। वो लिंक मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप आसानी से जाकर के ऑनलाइन या मार्केट में जाकर के आप उन चीजों को खरीद सकें। मैंने उनमें जिस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है वो उसी कॉन्फ़िगरेशन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मंगा लीजिए, आपकी मर्जी है, या फिर आप जाकर के मार्केट में खरीद लीजिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो भी चीज खरीदने तो ब्रांडेड खरीदिए चीज, क्योंकि एक बार खर्चा करेंगे तो आगे पछताने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप किसी यहाँ पर सिस्टम को असेंबल कराते हैं, यानी कि पीसी को असेंबल कराते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, वो जो चीजें हैं आप सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं सीएससी सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ से हम एक जगह से एक प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि आप वो प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ से, जहाँ पर आप लोगों से जुड़ करके उनकी सेवा भी कर सकते हैं और साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। गाइस, 2020 में सीएससी को लेने के कुछ नियम बदल दिए गए हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में सीएससी सेंटर लेना बहुत आसान होता था, लेकिन अभी ये जो थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिसको बोला जाता है टीसी। टीसी के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तब आपको आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो के पहले भाग में मैं आपको टीसी तक के बारे में बताऊंगा कि आपको टीसी नंबर कैसे अलॉट होता है, कैसे आप उस टेस्ट को पास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन भी क्लासेस दी जा रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ करके आप अपने टीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए अपनी योग्यता को पूर्ण कर सकते हैं। टीसी सर्टिफिकेट उसकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्री में मिलती हैं। तो ये जो टीसी सेंटर के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें वो टेस्ट पास करना होगा, उसमें हमें कम से कम 50% अंक लाने होंगे, और अगर हम 50% अंक ले लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं और हमें दूसरे चरण के लिए हमें मैसेज आ जाता है, फिर हम दूसरे चरण में हमें फिर वो टीसी सेंटर अलॉट हो जाता है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो कि हमें क्लियर करनी होती है। तो गाइज, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें टेस्ट को क्लियर करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा।
गाइज आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जाना होगा cse.gov.in के पोर्टल पर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर जो चुनाव करेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, यानी सीएससी रजिस्ट्रेशन का चुनाव करना है। जब आप इस मेन पेज के ऊपर पहुँच जाए तो आपने अप्लाई करना न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको CSC VLE आपको सिलेक्ट करना है। TC सर्टिफिकेट नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अभी आपके पास नहीं है। यहाँ मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और देन सबमिट। आपने करना है cse.entrepreneur.in के ऊपर क्लिक। यहाँ पर आपको इसका जो टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स है उसके लिए यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, लॉग इन विद अस करेंगे। लॉग इन विद अस के बाद आप जाएंगे लॉग इन एज ISB जनरल, इसके ऊपर आपने रजिस्टर कर देना है। आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आएगा। उस फॉर्म में आपके डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम, हस्बैंड नेम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपका, कंप्लीट एड्रेस, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। उसके बाद जो है आपने फोटो अपलोड करनी है, आप यहाँ जहाँ आपने फाइल रखी है वहाँ से उस फाइल को से फोटो को उठा लीजिए और उसके बाद अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सबमिट, जब सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट के लिए पूछेगा। इसके लिए आपको पेमेंट करना 1479 रुपीज़, यानी कि 1480 के आसपास आप पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या भारत QR से। जैसे कि किसी के पास डेबिट कार्ड है तो हाँ अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालेगा, उसके जो डिटेल्स एक्सपायरी डेट वगैरह, ईयर जो वगैरह, CVV नंबर वगैरह यहाँ पर डालना है, और उसके बाद मेक पेमेंट कर देना आपने। अब मेरे केस में नेट बैंकिंग का है तो मैं नेट बैंकिंग जैसे सपोज करो SBI से कर रहा हूँ तो यहाँ मेक पेमेंट करूँगा। ये मैं SBI के पोर्टल पर आ गया, वहाँ से लिंक है, यहाँ मैं अभी अपनी डिटेल डाल के लॉग इन के बाद यहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा, कंफर्म कर दूंगा। जब OTP आएगा तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। वो OTP अभी मुझे यहाँ पर डालना है, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपके सामने डिटेल्स आ गए, वहाँ का TEC नंबर आ गया और पासवर्ड वगैरह आ गया। ये जो डिटेल्स आई हैं आपके मोबाइल के ऊपर या जो आपके मेल में आई हैं, ये सब आपने चाहे अपना नोट करके रखना है। फिर लॉग इन विद अस पर जाएंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन में आपका TEC नंबर, पासवर्ड जो वहाँ से आया है वो डाल दीजिए। आप अभी लॉग इन हो जाइए। अब आप टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स के लिए नंबर मिल चुका है। अब आपने लैंग्वेज चूज करनी है, जो आपको लैंग्वेज करनी है। अब लर्निंग पर जाना है आपने। यहाँ पर आपके पास एंटरप्रेन्योर कोर्स के लिए मटेरियल्स अवेलेबल है, इसके वीडियो भी अवेलेबल है, हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में। हर एक चीज़ का यहाँ पर PDF मिलेगा। जैसे हम एंटरप्रेन्योर वाले की बात करते हैं तो ये देखिए PDF खुल के सामने आ गया, आप पढ़ सकते हैं। इसका वीडियो भी है, इंग्लिश में भी है। अब आप ये इंग्लिश वाला वीडियो पसंद करते तो इंग्लिश में देख लीजिए, नहीं तो सेम टू सेम आपको हिंदी में भी मिलेगा। हिंदी वाला वीडियो है ताकि आप आसानी से समझ सकें। आपने इन मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स हैं, इन 10 मॉड्यूल्स को आपने यहाँ पर लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि बाद में आपका टेस्ट भी होगा। ये 10 के 10 मॉड्यूल सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब चलते हैं असेसमेंट पर। हमने जो पढ़ा है अब हमारा उसका यहाँ पर टेस्ट होना है। 10 मॉड्यूल्स हैं, 10 10 नंबर के यहाँ पर पूरे मॉड्यूल्स हैं, इनकी 100 नंबर के। अब यहाँ पर आपका जो टेली सेंटर का एग्जाम है वो शुरू हो जाता है। आपने यहाँ इसको पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 60 सेकंड का समय में 60 सेकंड का समय मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया, फिर आपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का उत्तर देना है। इस तरह से आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे एक के बाद एक। आपको जो सही लगता है उसका चुनाव कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे 10 में से 7 सही हो गए हैं तो हमने 70% मार्क अचीव कर लिए हैं। इसी प्रकार पहले वाले का क्लियर करते ही दूसरे वाले का लॉक खुल जाएगा, जिसे आप देख रहे हैं बाकी अनलॉक है। ऐसे ही ये 10 जो है आपने क्लियर करने हैं यहाँ पर एक के बाद एक, एक उसके बाद अलग, उसके बाद अलग। ऐसे ही आपने 10 के 10 मॉड्यूल्स को क्लियर करना है। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है, हमने आंसर दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम इसमें 6 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 10।
अगले मॉड्यूल पर आ गए अभी हम, जैसे कि एक सफल उद्यमी की विशेषता, ये विशेषता क्या नहीं है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो जो हमारे मन में है आंसर वो हमने लगा दिया। स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही अगला क्वेश्चन आया, उस सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरा खोला, लेकिन उनका रेस्तरा ठीक से नहीं चला, तो आखिरकार उन्हें उसे बंद करना पड़ा, क्यों? कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुने। अब यहाँ पर जो है आपको विकल्प एक जैसे मिले हैं, आपको यहाँ सही का आंसर लगाना है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो बैठता है उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला भी स्टेज क्लियर कर लेते हैं, इस तरह से हमने 10 की 10 स्टेज को क्लियर करना है। यहाँ पर वेट करते हैं हमारे नेट टीसी का रिजल्ट आने तक, जैसे ही टीसी का रिजल्ट आएगा तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर अगला प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग एक सीएससी सेंटर ओपन कर करके जल्दी से जल्दी कमाई का साधन ढूंढ सकते हैं और अपना एक रोजगार का अच्छा साधन लीजिए, घर बैठ करके कमाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे सीएससी के पार्ट टू में, यानी कि अगला प्रोसेस हमें कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। गाइस मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।